जब भी कहीं आप लोगों सुनते होंगे चुनाव है, उस समय एक शब्द जरूर सुनते होंगे आप लोग। क्या सुनते होंगे? आदर्श आचार संहिता के बारे में जरूर सुनते होंगे कि वहां आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। तो इसी से संबंधित ही आपका आर्टिकल है। वो ये देखते हैं आप लोग कि कई बार आपके प्रॉब्लम्स में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके कई बार लिखित परीक्षा में यानी कि मेंस में भी बन जाते हैं, और कई बार वनडे एग्जाम में पूछते रहते हैं आपके। और एक सामान्य जानकारी के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। वैसे जब हम लोगों ने महत्वपूर्ण संगठन देखे थे आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उस समय आपके चुनाव आयोग हो फिर चाहे वित्त आयोग हो, सबके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाइए, वहां सभी महत्वपूर्ण आपके संगठन डले हुए हैं। अगर कोई छूटा हो तो आप बताइएगा, उसे भी हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, वैसे याद रखिए आपका चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। आप जानते हैं कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी आप लोग मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ? नई दिल्ली में। और एक बात और याद रखिए, संविधानिक संस्था है। संविधानिक संस्था का कहने का मतलब होता है कि संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 324 आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा एक महिला राजनेता पर की गई टिप्पणी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करने की सलाह दी है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को पता है? कि हमारे यहाँ जो नियम कानून बनाए जाते हैं, या जो भी चुनाव आयोग की तरफ से हो या किसी और संस्था की तरफ से नियम दिए जाते हैं, उनका उल्लंघन करने पर कठोर एक तरह से सजा के प्रावधान नहीं रहता है। आप सोचिए, अगर एक आध आप सोचिए विधायक हो कि चुनाव लड़ रहा है, या लोकसभा सदस्य चुनाव लड़ रहा है, किसी भी का चुनाव लड़ रहा है, अगर वो किसी इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसकी बिल्कुल उसे चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। तो आप सोचिए, एक दो पर ऐसा होगा और आपको सुधार होते हुए दिखाई देगा। अभी बिहार में आपका चुनाव है तो वहां भी आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर किस तरह से कीचड़ उछाला जाता है। ठीक है, आचार आदर्श आचार संहिता की बात करें अगर हम लोग, तो आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनियमन तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके लिए कुछ नियम एक तरह से निर्धारित किए जाएंगे कि इसके बाहर मत निकलिए, आप लोगों को लिमिट दी जाएगी। आदर्श आचार संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। नियमों के मुताबिक आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है, और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है। आप समझिए कि जिस दिन चुनाव आयोग क्या करेगा, डेट अनाउंस कर देगा चुनाव की, उससे क्या जिस दिन तक रिजल्ट आता है उस दिन तक ये लागू रहेगी। ठीक है, और आदर्श आचार संहिता का विकास की अगर बात करें हम लोग, तो आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। ये भी आपसे पूछ लेगा कई जगह, एक सामान्य जानकारी के लिए भी आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले कहाँ, केरल में 1960 में इसकी घोषणा हुई थी एक तरह से शुरुआत। राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार की। केरल प्रशासन द्वारा तैयार की गई इस संहिता में चुनावी सभाओं और भाषणों और नारों आदि के बारे में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए थे। इसके पश्चात वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकार को फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर के राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। वर्ष 1979 में निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल को चुनाव के दौरान अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए आदर्श आचार संहिता में सत्तारूढ़ दल से संबंधित दिशा निर्देश शामिल कर दिए हैं। इसके बाद वर्ष 1991 में आदर्श आचार संहिता को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार संहिता में चुनावी घोषणा पत्र से संबंधित दिशा निर्देश शामिल करने का आदेश दिया, जिसे वर्ष 2014 में शामिल भी कर लिया गया है। अगर हम लोग बात करें आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की, तो सामान्य आचरण,
राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक सीमित होनी चाहिए। जातिगत और सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने, असत्यापित रिपोर्टों के आधार पर उम्मीदवारों की आलोचना करने, मतदाताओं को रिश्वत देने या फिर डराने और किसी के विचारों का विरोध करते हुए उसके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना देने जैसी गतिविधियां पूर्णतः निषिद्ध यानी कि प्रतिबंध है। एक तरह से सभा की बात करें तो सभी राजनीतिक दलों को अपनी किसी बैठक का आयोजन करने से पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस को बैठक के स्थान और समय के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि बैठक के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। जुलूस की बात करें हम लोग, यदि दो या दो से अधिक दल या फिर उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं तो किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए आयोजकों को पहले ही एक दूसरे से संपर्क कर लेना चाहिए। इस तरह के जुलूस के दौरान किसी भी राजनीतिक दल के नेता के पुतले नहीं जलाए जाने चाहिए। मतदान की बात करें तो मतदान केंद्रों पर सभी दलों के कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बेज या फिर पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। मतदाताओं को चुनावी दल के नेताओं द्वारा दी जाने वाली पर्ची सादे सफेद कागज पर होगी और इसमें कोई प्रतीक चिन्ह या उम्मीदवार का नाम या फिर पार्टी का नाम नहीं होगा। पोलिंग बूथ केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। प्रेक्षक, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जिसके जिसके पास कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के बारे में समस्याओं की रिपोर्ट कर सकता है। सत्तारूढ़ दल के लिए बात करें अगर हम लोग, जो सत्ता में रहता है, पहले चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता में वर्ष 1979 में सत्तारूढ़ दल के आचरण को विनियमित करने हेतु कुछ प्रतिबंध लागू किए थे। कौन कौन से हैं? मंत्रियों द्वारा अधिकारी की यात्राओं का प्रयोग चुनावी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। साथ ही चुनावी कार्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप सोचिए कि आप मान लीजिए आप मंत्री रहे हैं पहले और आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप सरकारी जो भी या सरकारी एक तरह से वाहन होंगे, मशीनरी होंगे, उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं आप लोग। सत्तारूढ़ दल को सरकारी खजाने से विज्ञापन देने या प्रचार के लिए आधिकारिक जन माध्यमों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मंत्रियों और राजनीतिक पदों पर बैठे अन्य लोगों को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी तरह की वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिए या सड़कों के निर्माण, पेयजल की व्यवस्था आदि का वादा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका उल्लंघन आप लोग हमेशा देखते रहते होंगे। ठीक है, मैंने बताया ना कि आप लोगों की एक तरह से कठोर नहीं है, अच्छी तरह से लागू नहीं होते हैं, वरना आप सोचते हैं कि बाधा अभी भी होते रहते हैं। अन्य दलों को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। चुनावी घोषणा की बात करें पत्र की, तो राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जो मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालते हैं। इसका भी आप दुरुपयोग देखते रहते होंगे। आदर्श आचार संहिता का कानूनी परिवर्तन की बात करें तो यह भी आदर्श आचार संहिता को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया गया, यानी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानूनी तौर पर सजा नहीं दी जा सकती है। किंतु इसके कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 आदि के माध्यम से लागू किया जा सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें सजा का कोई प्रावधान ज्यादा नहीं रखा गया है। याद रहे कि 2013 में कार्मिक, लोक शिकायत और कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश करते हुए इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 का हिस्सा बनाए जाने की बात कही थी। और हालांकि निर्वाचन आयोग स्वयं आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से लागू करने के पक्ष में नहीं है, निर्वाचन आयोग का तर्क है कि चुनाव पूरा कराने की अवधि अपेक्षाकृत काफी कम होती है और न्यायिक कार्यवाही में ज्यादा समय लगता है, इसलिए व्यवहारिक तौर पर आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से लागू करना संभव नहीं है। तो ये पूरी कहानी थी आपकी आदर्श आचार संहिता की। ठीक है, इसके बारे में इसलिए जानना चाहिए आपको कि हमेशा आप चुनाव होते हैं तब इसे सुनते रहते हैं आप लोग। ठीक है, तो यही पूरी कहानी है।